हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंट कवरी। यार सीमात का रिजल्ट आ गया है कल, जिसका स्टूडेंट बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे यार, क्योंकि हमारा कैट में हमने फिर सोचा कि हम जैक के थ्रू देख लेते हैं कॉलेजेस, देन स्नैप के थ्रू देख लेते हैं, बट फाइनली सीमात का रिजल्ट आ गया है। एंड स्टूडेंट के अंदर है कि यार मेरे मार्क्स पे मुझे कौन से परसेंटाइल मिल रहा है और मैं कौन कौन से 20 स्कूल्स को टारगेट कर सकता हूँ। एंड दैट इज द रीजन आई एम हियर विद दिस, बिकॉज आई नो आपकी कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। तो सब अगेन अगर हम बात करें टॉपर की, जिसकी रैंक 1 है, उसके लिए 347 का स्कोर होना चाहिए। तो सीमात के अंदर टॉप कॉलेज आता है, दैट इज JBIMS। तो अगर आपका 99.9% है, दैट मीन 335 मार्क्स हैं अगर आपके सीमैट के अंदर, देन इट इज 100% श्योर कि आपका सीमैट, आपका JBIMS लगने वाला है। अगेन ये जो 99+% वाले कॉलेजेस है, दैट इज फॉर MMS प्रोग्राम, जिनका फी स्ट्रक्चर कम होता है, तो उन स्टूडेंट को CET का फॉर्म भरना पड़ेगा, बिकॉज उसमें कुछ GDPI का प्रोसेस नहीं है, उसमें सिर्फ काउंसिलिंग प्रोसेस है। अब हम बात करते हैं 99.90 जो कि 311 नंबर पे है, इसके अंदर आप JBIMS भर सकते हो, बट कन्वर्जन वही रहेगा। देन आप विलिंगकर का MMS, डालमिया, इन सब का भर सकते हो, चांसेस सिडनम, विलिंगकर, डालमिया का कन्वर्जन के ज्यादा है, JBIMS की कन्वर्जन के चांसेस कम है, डिपेंड करता है, बट अगर आपका 99.99 है तो JBIMS कन्वर्ट हो ही जाएगा। देन अगर हम बात करें 99.80 जो कि 302 मार्क्स पे है, तो उसके अंदर अगेन सीज, डालमिया, पुम्बा, ये सब आप देख सकते हो, बट अगेन चांसेस जो है वो डिपेंड करेगा कि यार क्या जाता है, बट आप पुम्बा डेफिनेटली, ये सारे कॉलेजेस यू नो जो MMS प्रोग्राम के हैं ये देख सकते हैं। मैं अगेन बता रही हूँ, वो स्टूडेंट्स जो MMS प्रोग्राम के लिए चाह रहे हैं, 99+% वाले बच्चे MMS के लिए डेफिनेटली जा सकते हैं, क्योंकि MMS के लिए क्या है, फीस स्ट्रक्चर कम होता है, GDPI का ऐसा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ CET का फॉर्म भरना है, काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू आपको महाराष्ट्र के जो MMS के कॉलेजेस है वो मिल सकते हैं, बिकॉज MMS जो है वो सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर होता है। देन फिर अगर हम बात करें 99.5% है आपका, जो कि 291 के स्कोर पे है, इसमें आप जितनी भी, आपको सिर्फ सर्च करना है टॉप 10, टॉप 15 कॉलेजेस फॉर MMS इन महाराष्ट्र, आप इन सभी के लिए अप्लाई कर सकते हो थ्रू CET, एंड इनके अंदर जाने के चांसेस ज्यादा है। देन अगेन KG सोमाया एंड ऑल दैट कॉलेजेस, डिपेंड करता है काउंसलिंग आपको कौन सा लॉट होता है। देन 99% जो कि लाइक बिल, ये यू नो एक एंड है MMS प्रोग्राम का, जो कि यू नो 282 मार्क्स पे आपको मिलेगा, इसमें आप सोमाया वगैरह देख सकते हो, कॉल आ सकता है आपको, आप इसको यू नो अगेन काउंसलिंग में इसको डाल सकते हो थ्रू CET और MMS प्रोग्राम के लिए टारगेट कर सकते हो। देन अगेन हम बात करें 98, 97, 270, 263, इनमें भी आप डाल सकते हो, बट अगेन वही है कि कन्वर्जन कैसे रहेगा कैसे नहीं रहेगा वो आपको देखना ज़रूरी है, बिकॉज जो मैक्सिमम जो कन्वर्जन है वो 99+ का होगा, बट अगेन 98 and 97 है, तो आप CET का भर सकते हो, चांसेस विल डिपेंड। देन हम बात करें 95% जो कि 251 मार्क्स पे है, इसमें आप सारे PGDM प्रोग्राम्स को टारगेट कर सकते हो, जैसे कि हम बात करें गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, हम बात करें ग्रेट लेक्स, हम KG सोमाया, हम वेलिंगकर की बात करें, तो यू नो चांसेस ऑफ कन्वर्जन इज लाइक 100%, राइट, 99% के चांसेस है कि आपको कन्वर्ट हो जाएगा अगर आप 95 to 51 मार्क्स पे इन कॉलेजेस के PGDM को टारगेट करते हो। बट अगेन अगर आपका ROI का है, आपका 99 है, तो यार डेफिनेटली आप अगर MMS प्रोग्राम सोचोगे तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। देन अगर हम 90 में बात करें, तो 90 में भी वेलिंगकर PGDM का 232 या 95 के आसपास जो है परसेंटाइल है, उसमें यू नो चांसेस ऑफ कन्वर्जन बहुत ज़्यादा इन सभी कॉलेजेस के, KG सोमाया के, वेलिंगकर के, NL डालमिया के, ग्रेट लेक्स के, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के, बट 90 पे भी आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, IFMR चेन्नई हो गया, ये सारे कॉलेजेस हो गए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं PGDM प्रोग्राम के लिए। देन आपको GDPI देना पड़ेगा, उस बेसिस पे सिलेक्शन होगा, तो अगेन जो PGDM प्रोग्राम है उसमें GDPI का प्रोसेस है, तो अगेन आपको उसके लिए भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू क्रैक कॉलेज, बट 95 में PGDM के चांसेस क्रैक करने के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। देन अगर हम बात करें 80% जो कि यू नो 204 मार्क्स के आसपास होगा, 70% जो कि यू नो 180 मार्क्स पे आपको मिलेगा, अब इनके अंदर कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं हम इनमें भी बात कर लेते हैं, तो 80% जो कि है
आपका 204 मार्क्स पे, तो इनमें आप ये सारे कॉलेजेस आगे जैसे बिमटेक आप देख सकते हो आप, एंड यार इवन वेलिंगटन जो है 80% के अंदर कॉल कर लेता है, बट वही चांसेस कन्वर्जन के डिपेंड करता है स्टूडेंट कितना एक्सेप्शनली परफॉर्म कर रहा है जेडीपीआई में, उसका प्रोफाइल कितना एक्सेप्शनली है, बट 80 पे भी कॉल आ जाता है। देन अगर हम बात करें बिमटेक है, IIT नागपुर है, जाइन बैंगलोर है, जयपुर या लखनऊ है, IIT हैदराबाद है, then we have ISBM पुणे 80% पे, IIM बैंगलोर है, AIIMS बैंगलोर है, जिम्स रोहिणी है, we have ITM नवी मुंबई, we have अगेन मैंने आपको बताया कि चेतना का PGDM प्रोग्राम है, वेलिंकर का PGDM है, SDM मैसूर का है, ये सारे कॉलेजेस आप देख सकते हो 80% पे PGDM प्रोग्राम के लिए, नॉट फॉर MMS बिकॉज 95 से नीचे सारे PGDM प्रोग्राम्स के लिए आ जाते हैं, मतलब आपको GDPI के लिए अप्लाई करना है एंड बेस्ड ऑन दैट आपका सिलेक्शन होगा। बट अगेन इनमें से कुछ और कॉलेजेस है 80% पर जो आप देख सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप अगर चाहो तो आप ITM मैंने आपको बताया देख सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन IFIM बैंगलोर आप देख सकते हो फाइनेंस के लिए, तो ये सारे कॉलेजेस NI ये सारे कॉलेजेस आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं 75 के आसपास कौन कौन से कॉलेजेस देख सकते हैं, निया पुणे फाइनेंस के लिए काफ़ी अच्छा है आप देख सकते हैं, ग्लॉक्सिन कोलकाता का, देन वी हैव NDIM, वी हैव जाइन चेन्नई, इंदिरा है, क्राइस्ट बैंगलोर है, कोलकाता बिजनेस स्कूल है, देन वी हैव दिस FIIB पोस्टाइमा देख सकते हैं, आचार्य बिजनेस बैंगलोर बी स्कूल देख सकते हैं, ये आप 70 पे भी देख सकते हैं ये कॉलेजेस। देन आप अगर 70 पे और देखेंगे तो आप जिस रांची 70 पे देख सकते हैं, आप MS रमैया देख सकते हैं, आप EDII अहमदाबाद 70 पे देख सकते हैं, देन इसके अलावा आप बालाजी देख सकते हैं, इंदिरा का जो ISBS है वो भी देख सकते हैं, आप अगर दिल्ली के अंदर देखेंगे तो आप ILM देख सकते हैं, आप इसके अलावा अगर आप दिल्ली के अंदर और कॉलेजेस की बात करें तो आप पोस्टाइमा के अलावा आप जयपुर या इंदौर देख सकते हैं, UBS मुंबई देख सकते हैं आप इस परसेंटाइल पे, देन वी हैव अदर ऑप्शंस कॉल्ड बैंगलोर में हम देखें तो हम 70% में बात करें, आप IIBS देख सकते हैं, आप अलाइंस देख सकते हैं, ये सारे परसेंटाइल देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं 65% पे, तो EMPI देख सकते हैं, JVS नोएडा देख सकते हैं, JK रिजर्व, तो बहुत सारे ऑप्शन है जितने भी कॉलेजेस हैं जिनके आपके पास कॉल्स आ रहे हैं, RIM है, वी हैव दिस कॉलेज कॉल्ड साई बालाजी, इंडस बिजनेस, IIEBM पुणे, ये सारे कॉलेजेस आप 65 के आसपास देख सकते हैं। बट अगेन इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए आपकी स्पेशलाइजेशन के लिए सही रहेगा उसका आपको प्रॉपर एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगेन कॉलेज का आर जो एवरेज प्लेसमेंट आप देखते हो और जो रियल में होता है उनमें बहुत डिफरेंस है। तो यार अगर किसी स्टूडेंट का 90 प्लस है तो उनको पता है कहाँ जाना है, बट 80 वाले स्टूडेंट्स, 85 वाले स्टूडेंट्स, 70 वाले स्टूडेंट्स, उनको सोचने की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज सारे कॉलेजेस ऑनलाइन एक जैसे दिख रहे हैं, तो यू जस्ट डोंट नीड टू सी कि यार ये कॉलेज ने लिख दिया 7 लाख एवरेज है, तो 7 लाख ही एवरेज प्लेसमेंट है। आपकी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से, ये सारे पैरामीटर्स के हिसाब से आपको प्रॉपर एनालाइज करना है। एंड इफ यू नीड एनी हेल्प स्पेशली फॉर दीज एवरेज स्टूडेंट्स, यार फील फ्री टू रीच आउट टू द नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, शेयर योर प्रोफाइल, आस्क द कॉलेजेस जहां आप जा सकते हो, इफ यू वांट टू हैव एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ऑल दीज कॉलेजेस यू कैन गेट इन डिस्काउंट प्राइस, इफ यू वांट टू नो कि आप स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन से कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हो, यार उसके लिए भी आप जान सकते हो। तो यार प्लीज शेयर योर परसेंटाइल CMAT के अंदर जो आपका आया, आई विल टेल यू आप कौन कौन से बी स्कूल को टारगेट कर सकते हो, एंड लेट मी नो इसके अलावा और किस पे आप वीडियो जानना चाह रहे हो, एंड फॉर मोर सच वीडियो यार प्लीज स्टे ट्यून्ड टू द चैनल, बिकॉज मैं हर अल्टरनेट डेज लाइव आती हूँ। तो अगर आपको कोई क्वेरी है जिसका आप इंस्टेंट जवाब जानना चाह रहे हो, यार उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स। सो थैंक यू सो मच, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।